कल्याण समिति, जिसके अंतर्गत आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी जांच का होना। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और उसके तत्वावधान में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना अंतर्गत आज आपके ग्राम पंचायत नरेली रसूलपुर विकासखंड मीरगंज में हम एक स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक के माध्यम से आपको पेयजल तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति क्या होती है, कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि एक समिति होती है, लेकिन जब हमारे प्रधानी का चुनाव होता है तो 6 समितियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक समिति होती है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जिसके अंतर्गत आपके प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य संबंधी जाँच का होना, समय समय पर टीकाकरण का होना तथा किसी भी महामारी के चलते उससे संबंधित दवाइयों का वितरण होना या फिर कैंप का लगाया जाना। अभी आपने देखा होगा डेंगू बहुत ज्यादा फैल रहा है, मलेरिया, टाइफाइड, ये जो बुखार चल रहे हैं, तो इससे संबंधित प्रत्येक ग्राम पंचायत में समय समय पर कैंप भी लगाया जाए। हो सकता है अभी आपके में ना लगाया जा रहा हो, लेकिन लगाया जाएगा या फिर जो लगाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के अंतर्गत ही हमारे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जाँच होती है। और पेयजल की बात करें तो पेयजल से क्या समझते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता यहाँ पे पेयजल क्या होता है? पीने वाला पानी। इसको पेयजल क्यों कहा गया? क्योंकि वो पानी, वो जल जिसको पी के हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो, तभी तो पेयजल बोलेंगे। वरना जल तो बहुत प्रकार का है, झीलों का, नदियों का, तालाबों का, नहरों का, सभी को जल बोलते हैं, लेकिन पेयजल वो जो पीने योग्य हो। अब देखिए, पहले जमाने में जो हमसे पूर्वज थे, हमारे माता पिता के जो पूर्वज थे, यानी कि हमारे दादा दादी, वो चलते रास्तों में पानी पी लिया करते थे झीलों से, तालाबों से। उनको बोतल खरीदने की जरूरत नहीं थी और ना ही उस टाइम पे बोतल चलती थी। क्यों? क्योंकि वो जो जल स्तर झीलों का और तालाबों का था वो एकदम शुद्ध हुआ करता था। आज हम कहीं जाते हैं तो या तो नल ढूंढते हैं, कहीं अच्छा नल मिल जाए, पहली चीज तो ज्यादातर खरीदना ही पड़ता है पानी, और वो भी पानी 20 रुपए प्रति लीटर की दर से हमको मिल रहा है। यानी कि अगर हमारे पास 15 रुपए है, आप किसी दुकान पर दवाले से कहे कि हमारे पास 15 रुपए है, हमको 1 लीटर वाली बोतल दे दो, वो आपको नहीं देंगे। दे देंगे? नहीं देंगे। अब सोचिए कि वो जो पानी हमारे पास झीलों और तालाबों का पीने योग्य था, तो ये हमको खरीदना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम बहुत तेजी के साथ अपने पानी को दूषित कर रहे हैं। पहले के जमाने में जब महिलाएं कुएं से पानी को लाती थी, तब वो एक एक बूंद की कीमत को समझती थी कि अगर हम इसको व्यर्थ करेंगे, एक गिलास भी अगर बहाएंगे, फेंकेंगे, तो हमको दोबारा से घड़ा भर के लाना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, इसीलिए तो कम खर्च करती थी। कोई और कारण था दादाजी?